Hello everyone, I'm Sanjali from UA Capital and the company for today's discussion is Venky's. I'm sure आप सभी को Venky's का exactly business क्या है इसके बारे में पता है, but today हम इसके बारे में, उनके बहुत सारे products हैं उसके बारे में हम detail में बात करेंगे. So let's begin with it. Venky's is an Indian conglomerate. Conglomerate मतलब एक company जो different parts से group किया जाता है जिस कंपनी को. सो इट इंक्लूड्स पोल्ट्री इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स प्रोसेस्ड फूड्स, एनिमल वैक्सीन्स, ह्यूमन एंड एज वेल एज एनिमल फार्मास्यूटिकल्स. इट वॉज फाउंडेड बाय वेंकटेश्वरा हैचरीज इन 1971 इन हैदराबाद, बट लेटर उन्होंने पुणे में शिफ्ट किया ड्यू टू द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस. नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स दे ऑफर. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स. सो ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंडर. सो द फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स. सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स ऑल द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स एंड मिनरल्स टू द एनिमल्स. सेकेंड प्रोडक्ट है टॉक्सिन बाइंडर्स. सो दिस प्रोडक्ट इज़ यूज फॉर हेपैटिक एंड रीनल डिसफंक्शनिंग. सो हेपैटिक इज़ फॉर लिवर और रीनल मतलब किडनी का डिसफंक्शनिंग और फॉर पुअर फर्टिलिटी. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अर्ली चिक न्यूट्रिशन. सो दिस इज़ यूज इन द फर्स्ट 24 to 48 hours, मतलब पहले एक या दो दिन में आफ्टर द हैच, और ये हेल्प करता है इम्यूनिटी बिल्ड करने में. नेक्स्ट इज लिवर टॉनिक्स. सो दिस इम्प्रूव्स द बॉडी वेट एंड ऑल्सो एग प्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट वन इज एसिडिफायर. सो जो पोल्ट्री फीड होता है इट कंटेन्स हाई प्रोटीन वैल्यू. सो प्रोटीन हैज बफर इफेक्ट्स विच अब्जॉर्ब्स द एसिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन. सो बेसिकली इट मेनली वर्क्स ऑन इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रमोटर्स. सो अगेन दिस इज प्रोडक्ट दैट हेल्प्स इन बेटर मेटाबॉलिज्म एंड टिश्यू बिल्डिंग. नेक्स्ट इज आयरन टॉनिक. सो जो एनिमिक बर्ड्स होते हैं, एनिमिक इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. सो दिस इज एन आयरन सप्लीमेंट फॉर एनिमिक बर्ड्स. नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स. सो इट मेनली हैज़ इफेक्ट ऑन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल्सो हैज़ अ रैपिड बैक्टीरियल इफेक्ट. नेक्स्ट इज एंटी कॉक्सीडियल. सो ये मेजरली एक डिजीज़ है. सो इट इज़ अ थ्रेट टू द पोल्ट्री इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड एंड दिस प्रोडक्ट हेल्प्स टू ब्रेक रेजिस्टेंस एंड किल ऑल स्टेजेस ऑफ कॉक्सीडिया. नेक्स्ट इज एंटी माइकोप्लाज्मा. सो ये प्रोडक्ट मेनली रेस्पिरेटरी डिजीजेस पे काम करता है. नेक्स्ट इज डीवर्मर्स. सो दिस इज टू गेट रिड ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ राउंड वर्म्स इन द पोल्ट्री. This is anti-gout. So again it is useful for prevention of stress and also improve the immunity. And last है electrolytes, जो water soluble है and it is especially used in summer to balance the electrolytes and avoid diarrhea. Now this was all about the animal healthcare products. The next product is biosecurity products. इसमें पहला है डिसइंफेक्टेंट्स. सो ये बर्ड के प्रेजेंस में यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द बायो बर्डन ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज़. नेक्स्ट है वाटर सैनिटाइजर. सो नाउ एज द नेम सजेस्ट दिस इज़ अ सैनिटाइजर विच कुड बी यूज टू सैनिटाइज द फूड सर्फिस एंड द टेबल टॉप. नेक्स्ट इज क्लीनर्स और सर्फैक्टेंट्स. सो दिस अगेन एक्ट्स एज अ सैनिटाइजर टू डिसइनफेक्ट द फ्लोर और वॉल्स और द शेल्स और एनी अदर इक्विपमेंट इन द पोल्ट्री. नेक्स्ट है अदर्स में आता है देर इज़ अ प्रोडक्ट दैट हेल्प्स टू रिमूव द रस्ट फ्रॉम द पाइपलाइंस. बाय दिस दे मेक श्योर दैट द ड्रिंकिंग वाटर फॉर चिकन इज क्लीन एंड सेफ. Now there are various equipments like thermal forger used to disinfect the terminal or poultry shed cleaning. Next is high-tech feed supplement. So this supplement handles the important portion of nutrition and biosecurity. The next product is biotech. So it includes vitamin premixes, probiotic and other feed supplements. So this plays a vital role in providing nutrition and helping in digestion. The fourth product is aqua. So it includes premixes and feed additives, AHP and disinfectants equipment. So it removes the mineral deposit and acts as a general purpose disinfectant. So all the three products act as disinfectants.
fifth one is human healthcare products, and it provides sports nutrition and medical nutrition therapy products. So both these products provide essential nutrients for the human body. It can also be consumed during pregnancy, since a mother is a nutrition source for a baby. Next is egg powder. So all these products are mainly used in bakery products like cakes. Now these are all the products that come under the FMCG part. So it includes frozen chicken like burger patty, chicken nuggets, and the other products are used in kitchen to clean the vessels. Next is VH breed. So this is one of the major category of Venkies. So all these breeds are developed by Venkies, and the Venkop 400 broiler breed is developed straight after 8 years of intense breeding, and the bird is adopted to tropical climate. The BV brown layer is chocolate brown bird, and their eggshell is brown in color. VH breed and vaccine are two major products of Venkies. So vaccines include live vaccine as well as inactivated vaccines. Then under equipments, there are three different types like farm, incubation system, and the last category is feed equipments. So until now we discussed about all the products in detail. Now we should move to the financials of the company. So the sales turnover for the year ended 31st March 2021 was 3116 crore as compared to 3261 in the previous year. So there is a slight reduction of 4.4%. Now talking about the profits of the company. So the profit before tax was 360.67 crores as against a loss of 49.71 crores in the previous year. So one major reason for the loss is the pandemic. So pandemic ke wajah se unka kafi loss hua tha, but they have improved their conditions in the first quarter of 2021 itself. So poultry and poultry product segments witnessed a good sale from old chicks and grown up broilers. Also talking about the dividend, so the directors have recommended a dividend of rupees 17 per equity share. Speaking about the loans, the company has not given any loans or guarantees or made any kind of investments. Now the long term borrowings of the company have also decreased by about 38% from 2000 lakh to almost 1200 lakhs. Now keeping in view the liquidity returns and also safety, the company has invested certain funds in bank deposits. Now talking about the interest coverage ratio, so it shows how many times a company can cover its current interest payments with its available earnings. So it is at 13.66 and has shown a change of 1900%, and this may be due to the losses in the previous year. Next is debt to equity ratio. So it indicates the proportion of shareholders' equity to debt used to finance the company's assets. It has changed from 0.16 to 0.36. So this is due to normal debt repayments. Next is operating profit margin. So it shows the percentage of profit a company produces from its operations before deduction of taxes and interest. In the previous year, it was -1% and currently it is at 12%. So the change is due to pandemic. And the last one is net profit margin. So it measures how much net income or profit is generated as a percentage of revenue. It was again at -1% and currently in 2021, it is 9%. Now moving to the structure of this industry and the development. So the agriculture, forestry and fishing, it grew at a constant pace. So poultry industry witnessed a decent recovery after the initial setback in the pandemic. Next point talks about the opportunities, threats, risks and concerns. So the National Institute of Nutrition has recommended a high potential growth in the next decades for this industry. But still कुछ reasons है जिसके वजह से industry की growth नहीं हो रही है. The first reason is lack of adequate cold storage. So India में cold storage की बहुत कमी है, and also the infrastructure of retailing outlets.
वन मोर रीजन इज राइज इन द प्राइस ऑफ मेज एंड सोया दैट हैज अफेक्टेड द फाइनेंशियल्स ऑफ द पोल्ट्री इंडस्ट्री। अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, सो इसमें तीन मेजर सेगमेंट है, पहला है पोल्ट्री एंड सेकेंड इज एनिमल और थर्ड इज ऑयल एंड सी ऑयल सीड। सो जो मेजर इनका बिजनेस है वो पोल्ट्री में से आता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेंकीज। वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट ऑल द 11 प्रोडक्ट्स दैट दे ऑफर। वी सॉ दैट दे हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी एंड हाउ द कंपनी हैज़ अ हाई पोटेंशियल ग्रोथ इन द नेक्स्ट डेकेड। आई एम श्योर दिस इंडस्ट्री विल ग्रो इन द फ्यूचर एंड द कंपनी इज केपेबल ऑफ कीपिंग देयर इन्वेस्टर्स हैप्पी। So this was all about the fundamental analysis of Venkis. I hope you liked the video. If you did, do like, share and subscribe to our channel. This is Sanjali from UA Capital. Your investment journey starts here.